विश्व मलेरिया दिवस के उपलक्ष्य में टोहाना खंड के राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैदरवाला में मलेरिया जागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के मुखिया अरुण कुमार जी ने की। विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य विभाग हरियाणा की तरफ से MPHW से आए हरपाल सिंह ने बताया कि मलेरिया रोग लोगों के स्वास्थ्य की गंभीर समस्या है। रोगी को बुखार आने पर अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर रक्त की जांच करवानी चाहिए। यदि जांच में मलेरिया पॉजिटिव आता है तो मूल उपचार 14 दिन का लेना चाहिए। इसका ध्यान रखना अति आवश्यक है कि मलेरिया से बचाव के लिए स्वच्छता का विशेष महत्व है। मलेरिया प्लाज्मोडियम कीटाणु के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। उन्होंने बताया कि सर्दी व कंपन के साथ तेज बुखार आना, सिर में तेज दर्द होना, बदन दर्द होना व उल्टियां आना व बुखार उतरते समय बदन का पसीना पसीना होना इस रोग के मुख्य लक्षण है। घरों के आसपास पानी एकत्र न होने दे, गड्ढों को मिट्टी से भर दे अथवा काला जला मिट्टी का तेल डाल दे। सप्ताह में एक बार कूलर, पशु पक्षियों के पानी के बर्तनों, हौदी, पानी की टंकी, फ्रिज के पीछे की सफाई इत्यादि को सप्ताह में एक बार अवश्य खाली कर रगड़ कर साफ करे। मच्छरदानी का प्रयोग करे, शरीर को पूर्णतया ढककर रखे, समय समय पर कीटनाशक दवा का छिड़काव पूरे घर में करे व मच्छर रोधक क्रीम का प्रयोग करे।